मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है जिसने मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और इस थ्योरी ने, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेव कैरेक्टर भी होता है, दे हैव वेव कैरेक्टर टू। उसी की वजह से हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने भी इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसिडर किया है, ओके। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक देयर रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक नेचर, ओके। इस थ्योरी में रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक नेचर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर। जैसे पिछली जितनी भी थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ओके, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, होना ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक चाहिए उनके अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक, क्लियर। ये एक्सप्लेन कर पाई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम इसके थोड़े से पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एंड दे फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे आगे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन और ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, द न्यू ऑर्बिटल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ओके। उसके बाद अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट्स ही होती हैं, क्लियर। सिमिलरली मॉलिक्यूल में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड। मॉलिक्यूल्स में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले, लो एनर्जी वाले भी होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी वाले भी होते हैं, ओके, क्लियर। और इनको फिल किया जाता है वैसे ही जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को वैसे ही फिल किया जाता है जैसे किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। जैसे हम ऑफबो प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं, ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसके बाद हंड्स रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये तीन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते टाइम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करते टाइम भी ये तीनों प्रिंसिपल ही फॉलो करते हैं। जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन द एनर्जी आर द एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर फिल्ड। अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं उसको समझाने के लिए जैसे ये एग्जाम्पल ली हुई है हमने, मान लो पैन में आपने दो एग, अनबॉइल्ड एग जो है उनको डाला, ठीक, तो उनका जो एग वाइट है अल्टीमेटली वो मिक्स हो, एग योग तो मिक्स नहीं होगा, अल्टीमेटली जो एग वाइट है वो मिक्स होके ऐसा बन जाता है ना। तो ऐसे है कि दो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दो एटम है जिनके ये न्यूक्लियस हैं, उनके न्यूक्लियस तो अलग अलग ही रहते हैं, बट जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, क्लियर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है बट मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं और नए तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, देट आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस। जैसे हमने ऑर्बिटल की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल क्या होता है, किसी न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी स्पेस जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 90-95% होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल, ओके। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के केस में तो दो न्यूक्लियाई होंगे ना,
जैसे ये एटम जुड़ रहा है और ये, जैसे आपके पास ये एटम और ये एटम दोनों जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के न्यूक्लिया इन्वॉल्व होंगे, क्लियर। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो इन दोनों न्यूक्लिया के अराउंड होगा, ओके। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियाई, जस्ट एज एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस, ओके। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है और ये दो न्यूक्लियस हैं पुराने वाले एटम्स के, ओके। वैलेंस बॉन्ड ने क्या बोला था, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच कहती थी कि नए ऑर्बिटल नहीं बनते, वही ऑर्बिटल रहते हैं, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि नहीं, जो ऑर्बिटल है वो भी नया बन जाता है, क्लियर। ये अपनी पुरानी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। ये पोस्टुलेट कुछ हद तक आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला ही है। जैसे हमें पता है कि जो 1s है वो 1s के साथ ही ओवरलैप करवाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल है, ठीक है। 2s है तो वो 2s के साथ ही ओवरलैप करवा सकता है क्योंकि 2s और 2s की एनर्जी आपस में कंपेरेबल है। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए आपस में, ठीक है। जैसे आपको पता है जो 2pz है वो 2pz से ही ओवरलैप कर सकता है, क्लियर। ये नहीं हो सकता कि 2pz जो है वो 2px से ओवरलैप कर दे, जैसे जो 2px है इससे ओवरलैप कैसे करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं बन रही। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ओके। फिफ्थ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी दो ही बनेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाफ जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और जो सेकंड हाफ वाले हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब जो बॉन्डिंग करवाने में हेल्प करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो अपोज करवाते हैं बॉन्डिंग को, फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अपोज करवाते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, ओके, क्लियर। मतलब जितने भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी वजह से उतने ही नंबर ऑफ, मतलब जितने भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से जो हाफ होंगे वो बॉन्डिंग वाले होंगे, एग्जैक्ट हाफ, और हाफ जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, तो इनकी वजह से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे नए। 4 में से जो 2 होंगे दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो रेस्ट ऑफ 2 होंगे दैट विल बी द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये तो वही बात होगी जो अभी मैंने बोली, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्लब करके बोला। जैसे मान लो एक एटम है ये वाला, दूसरा एटम है ये वाला, ठीक है। इन दोनों का 1s 1s आपस में ओवरलैप किया, ये दोनों मॉलिक्यूल बनाने गए, तो इसकी वजह से क्या दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको आप सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन अभी बाद में करेंगे, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको आप सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करोगे। ये कैसे बनते हैं उसकी डिस्कशन अभी बाद में करेंगे, उनकी शेप कैसी होती है, कैसे दिखते हैं वो बाद की बात है। 7th पॉइंट, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैंने अभी बोला कि 1s और 1s कंबाइन करके दो ऑर्बिटल बनाते हैं, एक तो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, दूसरा बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है
वो लो एनर्जी का होता है, ओके okay? जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो हाई एनर्जी का होता है, ओके क्लियर। लो एनर्जी का होता है तभी तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होता है इसीलिए ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को डिनाई करता है, ये कहता है कि नहीं टूट के दोबारा एटम बन जाओ, ओके। नेक्स्ट आपके पास एट्थ पोस्टुलेट जो है, दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आप देखोगे सिंबल्स क्या होंगे, सिग्मा पाई डेल्टा, ऐसे सिंबल यूज करेंगे, हालांकि डेल्टा नहीं आपको आएगा, डेल्टा भी हायर क्लासेस में आता है, ठीक। और सिमिलरली जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनके लिए जो है इनके ऊपर स्टार लग जाता है, जैसे सिग्मा का ऑपोजिट सिग्मा स्टार, पाई का ऑपोजिट पाई स्टार, डेल्टा का ऑपोजिट डेल्टा स्टार, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट जो है, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करते टाइम भी जैसे मॉलिक्यूल्स में ऑर्बिटल हो जाएंगे, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे होती है ना। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ करेगी, जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, लाइक दिस, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कराया करेंगे हम मॉलिक्यूल्स की भी, ठीक है। जो स्टार वाले होंगे वो एंटी बॉन्डिंग, जो विदाउट स्टार जो सिंपल लिखे हैं वो बॉन्डिंग, ओके। और इनकी फिलिंग करते टाइम भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते टाइम भी, जैसे कि मैंने पहले बोला आपने जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए फॉलो होते हैं वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए भी फॉलो होते हैं। जैसे ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले भरना है, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल को बाद में भरना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके। हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की क्या कहता है कि जब तक किसी सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं उनको सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं किया जाता विद द पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन, तब तक उनकी पेयरिंग शुरू नहीं करनी, ठीक है। ये तीनों रूल जो हैं वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग के टाइम भी फॉलो होने हैं, दैट्स इट। There is one more important point to note. It is important to note that compared with the energy of the combining atomic orbital, the energy of antibonding molecular orbital is raised by an amount greater than the amount by which the energy of the bonding molecular orbital is lowered, in such a way that the sum of energies of bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital remain equal to the सम ऑफ द कंबाइनिंग अटोमिक ऑर्बिटल्स। अभी तक ये पता नहीं लगा होगा क्या लिखा है, ठीक। जैसे मान लो आपके पास ये वाला अटोमिक ऑर्बिटल है, इसकी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। ये अटोमिक ऑर्बिटल और ये अटोमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, दो अटोमिक ऑर्बिटल मिलने जा रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, क्लियर। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो इन अटोमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लो एनर्जी वाला होता है, इसलिए देखो इसको आपने थोड़ा सा नीचे दिखाया, यहाँ ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो एनर्जी ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, ठीक है, वो बात लगा इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है, उसको चाहे अभी आप ना दिखाओगे इलेक्ट्रॉन फिल करके, ठीक। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इन दोनों से हाई होती है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी इन दोनों से लो होती है, ठीक, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इन दोनों से हाई होती है, ओके, इन दोनों से हाई है ना एनर्जी में ये, लाइक दिस, ठीक है। बट एक और बात नोट करने वाली ये है कि जैसे मान लो इसकी एनर्जी 5 जूल है, इसकी एनर्जी भी 5 जूल हो, टोटल एनर्जी कितनी बन रही है, 10 जूल ना, टोटल एनर्जी 10 जूल, क्लियर। इन दोनों की एनर्जी का सम भी 10 जूल ही बनना है, मतलब अगर इसकी एनर्जी हो गई 2 जूल तो इसकी एनर्जी 8 जूल होनी है, क्लियर। मतलब एनर्जी का प्रपोर्शन ऐसे ही रहेगा कि दोनों की जो सम ऑफ एनर्जी है, मतलब जो दो अटोमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे उनकी एनर्जी का सम
और जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी का सम विल बी इक्वल। ओके, और एक और बात नोट करने वाली जो है वो कौन सी है? स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो स्टूडेंट्स थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग। सो इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि आपके बाइंड करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके क्लियर। तो इन दोनों की जो एनर्जी का सम होगा और जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो तो आपको पता ही है। ठीक, जैसे मान लो इसकी एनर्जी है 5 जूल, इसकी एनर्जी भी है 5 जूल, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो अभी आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं, ठीक है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी थी टोटल? 5 जूल + 5 जूल, 10 जूल ना। और जो आपके पास जो नए ऑर्बिटल बने होंगे वो भी उस अकॉर्डिंग बने होंगे कि इन दोनों की एनर्जी का जो सम होगा वो 10 जूल होगा। जैसे मान लो इसकी एनर्जी 2 जूल होगी और इसकी एनर्जी 8 जूल होगी। ओके, ये बोला था मैंने। ठीक, बट इसमें एक बात और नोट करने वाली क्या है कि जितनी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, मतलब इसकी एनर्जी कितनी हाई हुई है एज कंपैरिजन टू जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इतनी हाई हुई है ना, उतनी ही जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लो नहीं हुई है। क्लियर, नहीं तो कई बार ज्यादातर ऐसे होता है कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप इसमें कंबाइन करते हैं तो अगर जो सॉरी जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनमें जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी अगर 5 जूल अप गई हो तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी 5 जूल डाउन जानी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ऐसा इसके केस में नहीं होता, ये एक्सेप्शन ही मान के चलो अभी आप। ठीक है, मतलब इसको अभी इसका कोई लॉजिक नहीं मैं दूंगा आपको, इसको बस एज इट इज याद कर लेना कि जितनी ये लो होता है जरूरी ये वैल्यू उतनी हाई उससे ज्यादा होती है अप वाली। ठीक है, उसके बाद बस ये याद रखना कि इन दोनों की जो एनर्जी का सम होगा वो इन दोनों की एनर्जी के सम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के सम के इक्वल ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अब कर लेते हैं डिफरेंस इन दी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और वेट वेट, अभी एक दो क्वांटिटीज रहेगी। जैसे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी ये है, दोनों की एनर्जी सेम ही है, ये और ये लेवल है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इतनी नीचे है एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्लियर, जिसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा क्या होगा? एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। सिमिलरली ये जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में डेल्टा डैश का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस। तो ये डेल्टा डैश क्या है? एनर्जी ऑफ डी स्टेबलाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल से कितनी ज्यादा एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ डीस्टेबलाइजेशन, और एटॉमिक ऑर्बिटल से कितनी लो एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास है, जैसे ये टेबुलर फॉर्म में हमने डिफरेंस देख लेना है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगल एटम, मतलब दे आर मोनोसेंट्रिक, क्योंकि उनमें एक ही सेंटर होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी के अराउंड होता है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अभी देखा ना हमने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नया बना, ठीक है, ये वाला, ये पॉलीसेंट्रिक है जो दो न्यूक्लियस के अराउंड है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, दे आर लेस स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होते हैं, तभी तो वो एटम जो है वो मॉलिक्यूल बनाने गया है,
ओके, दे आर मोर स्टेबल. थर्ड, दे हैव सिंपल शेप्स, इनकी शेप्स सिंपल हैं. जैसे आपको पता है एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल. पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बल्ड. डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डबल डम्बल्ड. ठीक है, एफ ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है, ट्रिपल डम्बल्ड, लाइक दिस. ओके, और आगे भी इनकी कई सारी हैं. जैसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं आगे, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, ये वाले. ओके, बट इनके केस में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की शेप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं एज कंपेरिजन टू दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. उसके बाद फोर्थ, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एफ, ये सिंबल तो आपको पता ही है. उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो सिंबल है वो सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जैसे आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा हुआ है. क्लियर? और ये जो स्टार वाले हैं, स्टार वाली क्या चीज है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है. ये एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा, ये एंटी बॉन्डिंग वाला पाई. ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे. ठीक, अब हम समझ लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. अब हम वेव की फॉर्म में देखते हैं कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होता है, उसकी हेल्प से अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है. जैसे हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन की वेव की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें क्रस्ट, ट्रफ, क्योंकि वेव है तो क्रस्ट और ट्रफ तो हो गई है. क्रस्ट के लिए साइन हम पॉजिटिव डाल देते हैं, ट्रफ के लिए साइन हम नेगेटिव डाल देते हैं. ओके, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होती है. ठीक है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब इस टॉपिक का नेम ये भी है, ये भी है. ठीक, अब दो तरह से इंटरफेरेंस हो सकती है, मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं. जैसे मान लो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेव है. ठीक है, अब कैसे आपस में ये ओवरलैप कर सकते हैं, अगर ये दोनों वेव्स, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेव है और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, ये दोनों इन फेज हुई. इन फेज का मतलब होता है सेम सेम चल रही है. जैसे जब इसका क्रस्ट आता है तब इसका क्रस्ट आता है, जब इसका ट्रफ आता है तब उसका ट्रफ आता है, जब इसका क्रस्ट आता है फिर इसका क्रस्ट आता है. मतलब ऐसे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनकी वेव इन फेज है, देन दे विल शो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जब दो वेव्स आपस में ऐसे ओवरलैप कर जाएं, जब कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर पड़े और दूसरे का क्रस्ट पहले के क्रस्ट के ऊपर पड़े, ट्रफ के ऊपर, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर पड़े सेकंड वाले, तो होता क्या है, अल्टीमेटली आपके पास एक सिंगल वेव बन जाती है. ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. ओके, क्योंकि वेव्स की एडिशन ऐसी होती है, दो वेव मिलके एक वेव बना लेती हैं, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करी हो तो क्या होता है, तो जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है दोनों इंडिविजुअल वेव्स से, वेव्स के कंपैरिजन में. ओके, एम्पलीट्यूड की एडिशन हो जाती है. क्लियर, जैसे इसका एम्पलीट्यूड क्या था, सिग्मा बी, इसका एम्पलीट्यूड क्या था, सिग्मा ए. जो आपके पास ये जो रिजल्टेंट वेव बनी है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, उसको हम फाई से डेजिग्नेट कर रहे हैं. इसके एम्पलीट्यूड को फाई से डेजिग्नेट कर रहे हैं, जो कि सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के इक्वल है. बट अगर जो दो वेव्स हैं दे आर आउट ऑफ फेज, मतलब जब इसका क्रस्ट चल रहा है तब इसका ट्रफ चल रहा है, जब इसका ट्रफ चल रहा है इसका क्रस्ट चल रहा है, तो आउट ऑफ फेज है और ये आपस में ऐसे ही ओवरलैप कर जाए. ठीक, तो उस टाइम क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव होती है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि साई ए में से साई बी माइनस हो जाएगा. क्लियर, तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी. ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव्स आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज. फेज यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन फेज, आउट ऑफ फेज. ठीक है, इन फेज के केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आउट ऑफ फेज के केस में आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो आपके पास
वही बात आ गई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं, मतलब ये चीज। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं। क्लियर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक दिस। क्लियर? और जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, अब ये जो नया बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नया बन जाएगा जिसकी वेव ये है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलती है? इलेक्ट्रॉन वेव का, वेव की जो वेव लेंथ, ये जो एम्पलीट्यूड होता है, उस एम्पलीट्यूड का स्केयर जो है, वेव के एम्पलीट्यूड का स्केयर जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो अब आपके पास वेव बनी है ये वाली, ठीक है? इसका नया एम्पलीट्यूड कितना है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ना, क्लियर? जिसको हमने फाई से डेजिग्नेट किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाई स्क्वेयर, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट वेव है इसका फाई है। क्लियर? इसका स्क्वेयर, ठीक है? फाई का स्क्वेयर करने का मतलब क्या है? फाई की वैल्यू किसके इक्वल थी? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के बराबर। तो उसका स्क्वेयर किया तो आपके पास क्या आ गया? फाई इज इक्वल टू फाई ए स्क्वेयर प्लस फाई बी स्क्वेयर प्लस टू फाई ए फाई बी। ठीक? तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि ये जो सिग्मा स्क्वेयर प्लस सिग्मा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सिग्मा टू ए बी, इन दो, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी थी? इसमें कितनी थी? साई ए स्क्वेयर। इसमें कितनी थी? साई बी स्क्वेयर। बट जो रिजल्टेंट आपके पास बन रहा है दोनों का, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसमें कितनी है? साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर प्लस टू साई ए साई बी। ये जो, मतलब इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड भी कर दें, मतलब साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर को ऐड भी कर दें, उससे भी ये जो रिजल्टेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? टू साई ए साई बी के बराबर। तभी तो मॉलिक्यूल जब बनता है हम बोलते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रहता है। क्यों ज्यादा देर रहता है? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है वो टू साई ए साई बी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू जब वो एटम ऑफ जब वो दोनों एटम सेपरेटेड फॉर्म में थे और उनके अभी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हुए थे। ठीक? तो हम क्या करें कहेंगे कि जो साई स्क्वेयर है दैट इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन बीएमओ एज कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल 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 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, अब दूसरे केस के लिए क्या होगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुई हुई है तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया? साई ए माइनस साई बी। तो इसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगी? साई डे, ये जो फाई डैश है उसका स्क्वेयर, और फाई डैश की वैल्यू किसके इक्वल है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के। उसका स्क्वेयर करोगे तो आप, सॉरी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी के, इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या होगा? माइनस टू सिग्मा ए सिग्मा बी आएगा। ठीक है? और इंडिविजुअल एटम्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी थी? सिग्मा ए, और दूसरे वाले में कितनी थी? सिग्मा बी स्क्वेयर। ओके, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आती है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है वो जब दोनों एटॉमिक फॉर्म में अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एटम्स, ओके, उस टाइम जो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है उससे भी कम होती है। कितनी कम होती है? दोनों का सम करके माइनस टू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। कितनी कम होती है? दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, माइनस टू सिग्मा ए सिग्मा बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस इसके कंपेरिजन में एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, जब बनता है तब उस टाइम क्या होता है, उसके केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, या ऐसा कह लो कि उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तब आपके पास वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके अब मैं आपको एक बार वो दिखा दूं कि कैसे बनते हैं आपके पास बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 1s 1s, ये दोनों, इन दोनों का यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्रस्ट। इस 1s का क्रस्ट और दूसरे 1s का भी क्रस्ट, जब ये क्रस्ट और क्रस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर फॉल करे तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा जिसकी शेप ऐसी दिखेगी। ठीक, बट अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ जाता, एक 1s का क्रस्ट दूसरे 1s का ट्रफ, तब क्या होता, तब ये आपस में एक तरह के ओवरलैप होते ही नहीं है। मतलब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर रीजन, ये वाला दो न्यूक्लियस के बीच में जो रीजन है, इंटर एटॉमिक रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और साइड वाले रीजन में बढ़ जाती है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर, अब आप बोलोगे कि सर ऐसे होने से क्या हो गया, क्या हो गया, ये न्यूक्लियस एक दूसरे के लिए ज्यादा एक्सपोजर में आ गए, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो रिपल्शन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ओके, सिमिलरली 2pz और 2pz, अगर ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करवाएं, मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर जाए, तो इन दोनों की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। बट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएं, मतलब पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव फॉल कर जाए, तो एक्चुअल में ये इंटरफेरेंस यहाँ से होगी ही नहीं। ठीक है, या होगी भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए अगर आपने बॉन्ड बनाना है, जैसे इसके केस में बढ़ती है ना, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके केस में इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ओवरलैपिंग, या इसको इस तरह के ऑर्बिटल, ये वाला जो नया ऑर्बिटल बन जाएगा इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली पाई बॉन्ड जो है वो भी दो तरीके से बन सकता है, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कब बनेगा, जब साइडवेज ओवरलैपिंग करते टाइम क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर जाए एंड ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर जाए, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, तब आपके पास जो होगी वो दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो आपके पास मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पाई टू पी जेड ऐसे दिखेगा। ओके, या 2px, डिपेंडिंग अपॉन आप किसकी साइडवेज ओवरलैपिंग करवा रहे हो। अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाते हैं, मतलब पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव फॉल कर जाता है, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव फॉल कर जाता है, क्रस्ट के ऊपर इसका ट्रफ, इसके ट्रफ के ऊपर इसका क्रस्ट, तो क्या होता, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है, एक्चुअल में इनके बीच में ओवरलैप होनी नहीं है, उल्टा ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे लाइक दिस। तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आने की बजाय उनसे दूर जा रहे हैं, बीच में से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की रिपल्शन बढ़ती है, तभी तो हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी हाई होती है बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा एक दूसरे के एक्सपोजर में आते हैं, जब एक्सपोजर में आते हैं तो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे होती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, कल हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखेंगे, ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम ये कल समझाऊंगा आपको, और हम मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देखेंगे इसमें।